अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द केमिस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू टॉपिक दैट इज नील बोहर एटॉमिक मॉडल एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। लास्ट प्रीवियस हमने लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कवर किया था और उसके एक्सपेरिमेंट, फिर मेन पॉइंट्स हमने पढ़े थे, साथ में इसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे कि किस वजह से जो है जो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल्ड हो गया था। अब उन्हीं जो ड्रॉबैक्स को देखते हुए उसने क्या किया, बोहर ने 1913 में नील बोहर ने प्रेजेंट किया एक न्यू एटॉमिक मॉडल, उन्हीं जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स है उन्हीं को ओवरकम करते हुए उसने एक न्यू एटॉमिक मॉडल जो है वो उसने प्रेजेंट किया और जिसको हम नाम देते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल का। और फिर जो नील बोहर जो है उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट में या इस मॉडल में हाइड्रोजन एटम को कंसिडर किया था, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को कंसिडर किया था एज अ मॉडल और उसने फिर उसको देख के उसने सारा एटम का स्ट्रक्चर उसने पेश किया था, ठीक है। और नील बोहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा आदमी था, ये बहुत इंटेलिजेंट था। इसने जो है आइंस्टाइन को जो इसने आइंस्टाइन को इसने क्या किया था, चैलेंज किया था, तो बहुत ये इंटेलिजेंट था, ठीक है। तो अब कुछ जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के मॉडल में उसको ओवरकम किया नील बोहर ने अपने मॉडल में। तो लेट्स स्टार्ट नील बोहर एटॉमिक मॉडल। टू ओवरकम द रदरफोर्ड डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नील बोहर प्रेजेंट एन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ये आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, ये लेक्चर जिस तरह दे रही हूँ, ये एक जिस तरह हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, कोई भी क्वेश्चन मैंने उसी तरह आप लोगों को नोट्स फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ये गाइडेंस भी ले सकते हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन होगा वो हम किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, तो ये बिल्कुल नोट्स फॉर्म में मैंने बनाए हुए हैं, आप लोग यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो नील बोहर एटॉमिक मॉडल है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल जो है क्या है, टू ओवरकम द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट एन एटॉमिक मॉडल। डिस्कवरी की हेडिंग है नील बोहर इन 1913 में हमारे पास नील बोहर प्रेजेंट एन एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और उसने इस अपने मॉडल के लिए क्या चूज़ किया था, उसने हाइड्रोजन एटम चूज़ किया था एज अ मॉडल। अब मेन पॉइंट क्या है, पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसने अच्छा जी पोस्टुलेट्स क्या है, मेन पोस्टुलेट्स हमारे पास क्या हैं, अच्छा तो मेन पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं रदरफोर्ड ने जो अपने मॉडल में दिए थे, कि इसने फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसने क्या कहा कि द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल और एनर्जी लेवल। अब जैसे कि रदरफोर्ड ने जो है उसमें उसने कुछ कोई आइडिया नहीं दिया था सर्कुलर पाथ जो ऑर्बिट शेल और एनर्जी लेवल का, उसने कुछ आइडिया नहीं दिया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन किया किसने, बोहर ने। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के गिर घूमता है और एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है और इस पाथ को हम नाम देते हैं ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल। देखिए ये उसने कहा कि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है उसके गिर घूमता है और एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है और इस सर्कुलर पाथ को हम शेल का नाम देते हैं, ऑर्बिट का नाम देते हैं और एनर्जी लेवल का नाम देते हैं, तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, फिर उसने कहा सेकंड पॉइंट में कहा व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, इट मीन्स दैट एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज़ फिक्स्ड। अब जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा, मैं दोनों मॉडल्स को कंपेयर भी साथ साथ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो जैसे ये है इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है और ये इमिट करता है एनर्जी, जबकि बोहर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, लेकिन जब वो रिवॉल्व करता है तो उस दौरान उस वक्त ना ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करता है ना ही एनर्जी कोई
एब्जॉर्ब करता है, बल्कि एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जब मूविंग के दौरान रिवॉल्विंग जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द, तो उस दौरान वो कोई एनर्जी, किसी किस्म की एनर्जी जो है वो रिलीज़ या एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, बाद में वो कंडीशन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ड्यूरिंग जब वो एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है जब वो हमारे पास ऑर्बिट में मूव करेगा, तो उस दौरान वो कोई एनर्जी जो है वो रिलीज़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज़ फिक्स्ड। उसने ये बात क्लियर कर ली कि हमारे पास हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है, तो जब वो रिवॉल्व कर रहा होता उस टाइम वो कोई एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है और एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, तो वो सही बात नहीं थी, वो एटम के अनस्टेबल करेक्टर को प्रोमिनेंट कर रहा था, जबकि एटम तो अनस्टेबल नहीं है, वो तो स्टेबल है। ठीक है, तो इसने बोहर ने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो है हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है, तो लिहाजा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करता है तो वो एट दैट टाइम वो कोई किसी किस्म की एनर्जी जो है वो रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करता। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हायर विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा। अच्छा, इसमें क्या कहा है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस के रदरफोर्ड ने सॉरी बोहर ने हमारे पास क्या कहा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करती है, किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस की। जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, और जितना करीब होगा उतनी कम उसकी एनर्जी होगी। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब, जो हमारे पास ये शेल है ना, जैसे कि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ, जिसको हम शेल का नाम देते हैं, ऑर्बिट का नाम देते हैं, तो उसने फिर ये भी कहा बोहर ने कि फर्स्ट शेल के शेल है, सेकंड शेल एल, थर्ड शेल एम, फोर्थ शेल एन, तो उसने नाम दे दिए फर्स्ट के एल एम एन, इस तरह डिफरेंट शेल के नाम हैं। ठीक है, उसने अल्फ़ाबेट से उसको प्रेजेंट कर लिया। अब उसने ये रिप्रेजेंट तो कर लिया, अब रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर तो वो इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, तो और जैसे फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड शेल। अब जब ये हमारे पास जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस के, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी ही उसकी कम एनर्जी होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो ये हमारे पास के शेल है, ये सेकंड एल है और ये एम शेल है। ठीक है, तो अब जो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, माइनस 1.3। ठीक है, सेकंड शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, अब कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और न्यूक्लियस से जो दूर इलेक्ट्रॉन होगा, ये न्यूक्लियस से जो दूर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इसकी एनर्जी क्या है, -0.1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 0.1 माइनस 1.3 ज़्यादा है या 0.1 ज़्यादा है, 0.1 ज़्यादा ना, क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो कहते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है, वो रिलेट करती है डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। अगर तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो है कम डिस्टेंस है, तो हमारे पास इस फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कम होगी। अगर तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास ज़्यादा डिस्टेंस पे है, न्यूक्लियस से दूर है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसने एक्सप्लेन किया, तो जो के शेल में फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, जो एल शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी के शेल से के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो एम शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी के और एल दोनों से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उनकी एनर्जी जो है कम होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अब
उसने बताया है, कंडीशन इसने बता दी है जो पॉइंट है कि कब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, कब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं। किस वजह से बनते हैं? इस वजह से बनते हैं कि वेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब द एनर्जी, और वेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर इट लूजेज द एनर्जी। ठीक है, अच्छा इसने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ये जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट शेल में, ये हमारे पास के शेल फर्स्ट शेल है, सेकंड एल शेल है, देन हमारे पास थर्ड एम शेल है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करेगा और ये फर्स्ट शेल से जब हमारे पास एल शेल में जाएगा या फिर हायर उससे भी हायर एम शेल में जाएगा, तो एट दैट टाइम वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वेन एवर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर से लोअर वन शेल वन नंबर शेल से जब वो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर शेल में जंप करेगा, तो इस टाइम वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, हायर से लोअर में जंप करेगा, जैसे एम लेवल से वो एल ऑर्बिट में आ गया या के ऑर्बिट में आ गया, तो एट दैट टाइम ये एनर्जी जो है ये हमारे पास लूज करेगा। ठीक है, तो इन दो दो केसेस ने बता दिए हैं कि कब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन और कब एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज कब करता है, जब वो हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, ऊंचाई से जब नीचे जंप करता है तो वो एनर्जी लूज करता है, और जब नीचे से वो ऊपर जंप करता है हायर एनर्जी लेवल हायर ऑर्बिट में जाता है, तो इस टाइम वो हमारे पास क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और जब कभी इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में मूव ही कर रहा होता है, तो उस टाइम पे ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा, ना वो गेन करेगा, ना वो एब्जॉर्ब करेगा, ना वो लूज करेगा, वो क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, वो फिक्स ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, उस टाइम कोई एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब कभी इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से वो हायर में जाएगा, फर्स्ट शेल से थर्ड या सेकेंड शेल में जाएगा, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और या फिर वो थर्ड या सेकंड शेल से जंप करेगा फर्स्ट शेल में लोअर शेल में आएगा, तो एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो ये दो केसेस हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ये बताया हुआ है कि डेल ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इक्वल टू एच, एच प्लैंक कांस्टेंट और वी, वेयर डेल ई इज द एनर्जी, पूरी उसने एक्सप्लेन किया है। डेल ई हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है, जैसे दो शेल की है, तीन शेल की डेल ई है, तो हम कहें हैं ई टू माइनस ई वन या ई थ्री माइनस ई टू, एनर्जी अगर हम उसकी काउंट करने लगे, कैलकुलेट करने लगे, तो ई टू क्या है हमारे पास, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, और ई वन क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी लेवल। इससे हमें पता चलेगा कि एनर्जी जो है वो उसने गेन की है या एब्जॉर्ब किया, टू से वन में आया है, तो क्या हमारे पास एनर्जी जो है, हमारे पास जब टू से वन में आता है, हायर से लोअर में आता है, तो वो एनर्जी लूज करता है। जब फिर हायर से जब हम और हायर में जाएगा, टू से फोर में जाएगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये एच हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, वी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन है, ठीक है, वी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ ऑर्बिट बट कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम। अब इसने कहा, रदरफोर्ड ने तो कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहीं भी बस मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसने ऑर्बिट और शेल का कोई आइडिया ही नहीं दिया है, लेकिन इसने बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट करता है इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट बट कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास ऑर्बिट में लाया करता है, ठीक है, ये नहीं है, ये एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट है, इसके दरमियान में नहीं लाया करता, अपने फिक्स एक ऑर्बिट, हर इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स ऑर्बिट में लाए करेगा, ठीक है, इन बिटवीन उनके दरमियान में ही नहीं होगा। उसने एक फिक्स प्रॉपर जो है आइडिया दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में होता है, वन में होता है, टू में होता है, थ्री में होता है, लेकिन ऑर्बिट में लाए करता है, वो इन बिटवीन नहीं होता है इसके, ठीक है, दरमियान में नहीं होता, कि मतलब शेल इस तरफ है तो ये दरमियान में यही कहीं पड़ा हुआ है, नहीं, ऑर्बिट में ही स्टे करता है ये। नेक्स्ट हमारे पास सेवन नंबर पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दैट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मूव करते हैं इन विच
द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, जब मोशन इन सर्कल, जब सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो मतलब सर्कल में मूव करने के लिए जो मोमेंटम होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दैट ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीजर मतलब होल नंबर 1, 2, 3, 4 इंटीग्रल मल्टीपल, ये नहीं है हमारे पास 0.5 या 1/2 इस तरह नहीं हो, बल्कि होल नंबर्स में हो, कि 1, 2, 3, 4 हो। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में जो है मूव करेगा जिसमें इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है MVR जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई के इक्वल हो, ठीक है। देखिए इंटीग्रल मल्टीपल क्या है कि एंगुलर मोमेंटम, देखिए एल इज इक्वल टू MVR, ठीक है, MVR जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम है MVR है वो किसके इक्वल हो, जैसे अब ये n जो है वो ये नंबर ऑफ शेल को भी रिप्रेजेंट करता है, शेल नंबर से को भी डिनोट करता है, और साथ में ये इंटीग्रल मल्टीपल है हमारे पास। देखिए क्या मतलब कि एंगुलर मोमेंटम, अब फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल क्या, एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई, के इंटीग्रल मल्टीपल किसे कहते हैं, होल नंबर के, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो हो 1 h/2 पाई, ठीक है। अब ये 1 क्या है, ये फर्स्ट शेल है, नंबर 1 शेल है। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 2 h/2 पाई है। अब वैल्यू हम उसमें डाल देंगे जो प्लांक, ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है और ये पाई है 3.14 के इक्वल है, तो वो उसकी वैल्यू हम बाद में डालेंगे, लेकिन वो भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो 2 h/2 पाई के, ये इंटीग्रल मल्टीपल हो मतलब होल नंबर्स में हो, ठीक है। अब ये है, इसकी अलग वैल्यू आ जाएगी, इसकी अलग वैल्यू आ जाएगी, कभी भी वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में ना, इस तरह ना हो कि MVR इज इक्वल टू 2/3 h/2 पाई, नो इस तरह ना हो, ये ना हो, ठीक है। या हम इस तरह लिखें m जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल है 0.5 h/2 पाई, नो ये इस तरह ना हो, फ्रैक्शंस में ना हो, पॉइंट्स में ना हो, ये हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब इस तरह हो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल हो कि 3/3 h/2 पाई, ठीक है। तो इस 3 का क्या मतलब है, n है, n की जगह हमने 3 डाला, मतलब थर्ड हम शेल की बात कर रहे हैं तो उसका हम मालूम कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर जो सर्कुलर बात, सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई की, ठीक है। कभी भी ये ना हो, कभी भी इस तरह फॉर्म में ना हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो उसका, ठीक है, वो शेल। अब ये शेल ये है हमारे पास, इससे इक्वेशन थी ना MVR इज इक्वल टू n h/2 पाई। तो अब ये क्या है, ये शेल नंबर को डिनोट करता है, तो शेल नंबर हमेशा हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल हों के 1 हो, 2 हो, इसकी जगह 3, 4, सो ऑन, ठीक है, कभी भी पॉइंट्स में ना हो, पॉइंट्स में ना हो। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास बोहर के, जिसमें उसने बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया रदरफोर्ड के जो है ड्रॉबैक्स को ओवरकम करते हुए, उसने जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर उसने जो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, उसने ऑर्बिट और शेल के बारे में बताया, उसने फिर कहा कि जब कभी इलेक्ट्रॉन जो है, उसने मैक्सवेल की थ्योरी को फेल करी, उसने कहा सब वो बेकार है, बकवास है कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी जब मूव करती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है। उसने कहा
एक चार्ज बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन जो है जब भी एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वो कोई एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। जब कभी इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब हायर से लोअर में जंप करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आते हैं वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम इसी वजह से आते हैं, ठीक है। कभी भी हमारे पास जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करेगा तो वो एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक ऑर्बिट में तो एक ऑर्बिट की एनर्जी अपनी फिक्स्ड होगी, तो और क्या नाम है उसकी अपनी अपनी जो है एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होगी। और जब कभी भी वो ऊपर या नीचे जंप करेगा ऊपर की हायर ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट में, एट दैट टाइम इन केसेस में वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर उसने रदरफोर्ड ने शेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी कि हमारे पास फर्स्ट शेल जो है के शेल है, सेकंड शेल एल शेल है, देन इसके बाद एम शेल है, देन एन शेल है, ठीक है। फिर फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो सारी क्वांटम मैकेनिक जो है इसने एक्सप्लेन की है। हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और पूरा एटम का स्ट्रक्चर दिया है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और ये था हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल, तो ये था हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल। होप यू विल गाइज अंडरस्टैंड ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कॉमेंट इट। थैंक यू।